उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने दर्ज की 4 सीटों पर जीत है। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बरेली, मुरादाबाद खंड स्नातक सीट, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर उन्नाव स्नातक खंड, झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और यह 2023 का विधान परिषद का चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज है। विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी साफ होगा। उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जो ऐतिहासिक समर्थन और सफलता मिली है, और मैं सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 11 कार्यकर्ताओं के हृदय से अभिनंदन। उन लोगों ने दिन रात परेशान करने का काम किया और जो हमारे विजय प्रत्याशी हैं, स्नातक क्षेत्र के लगातार वापसी ही कर रहे हैं। जो शिक्षा क्षेत्र की एक सीट हमारी, इसका परिणाम आ चुका है। इनके आशीर्वाद और समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के स्नातक क्षेत्र के और शिक्षक क्षेत्र के अंदर हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी जो ऐतिहासिक समर्थन और सफलता मिली है, उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करने का काम किया। माननीय मोदी जी और योगी जी, संगठन के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपना मतदान देकर के ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो गरीब कल्याण के काम, सुशासन और विकास की यात्रा है, और आज प्रबुद्ध जनों ने इस मतदान में अपना मतदान, अधिकतम मतदान देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। और मैं कह सकता हूं कि मतदान का जो प्रतिशत रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अधिकाधिक मतों से इस सीट को जीता है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है विधानसभा एमएलसी चुनाव में। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति है, खुला खुला पर युवाओं को बत्ती जल रही है, रोजगार युवाओं को बिना किसी भेदभाव जाति से ऊपर उठ करके ईमानदारी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने रोजगार दिया है, ऐसे स्नातक युवाओं ने, शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड साथी बने हुए, ये भारतीय जनता पार्टी है। इनकी जो तुष्टिकरण की, जातिवादी की, परिवारवादी की जो व्यवस्था है, जो समाज पर तोड़ने की राजनीति कर रहे थे, उनको करारा जवाब दिया गया है।